माय रेनबो वर्ल्ड। आज की जो मेरी वीडियो है वो है ब्राइडल मेकअप के बारे में। आज मैं मेकअप करूँगी मुस्लिम ब्राइड लुक करूँगी प्राय, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, पूरा हेयर स्टाइल वगैरह भी आपके सामने ही करूँगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है गाइस, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑल पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉन्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। प्राइमर इसलिए अप्लाई होता है ताकि हमारा जो फाउंडेशन वगैरह है वो स्मूथली अच्छे से अप्लाई हो जाए ऑल ओवर फेस। अब मैं अपने डार्क सर्कल को एंड पिंपल मार्क्स को हाइड करने के लिए कंसीलर यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से मैं अपने अंडर आई प्लस जो भी पिंपल मार्क्स होंगे उसे पूरा हाइड कर लूँगी और इसे मैं ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर की मदद से। हम यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे ब्लेंडर। ब्लेंडर को हमेशा डैब डैब करके ही यूज़ करना चाहिए। अब मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का फाउंडेशन। मैं दो शेड मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, एक 115 इन एक है 128 शेड नंबर, उन दोनों को मिक्स कर लूँगी। मैं जब भी कुछ मुझे अलग सा लुक देना होता है तो मैं दो शेड मिक्स करके ही अप्लाई करती हूँ, उससे बहुत अच्छा लुक आता है। इसे भी हम ब्लेंडर की मदद से डैप डैप करके ऑल ओवर फेस अब अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी भूत सी लग रही हूँ। अब हम यूज़ करेंगे कॉन्टोर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली कंसीलर डार्क शेड में, प्रो का, प्रो HD का। ये इसे मैं कॉन्टोर के लिए यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं यूजुअली कॉन्टोर करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ये ब्राइडल मेकअप था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। आप मोस्ट ऑफ मेरे मेकअप में देखोगे कि मैं कॉन्टोर यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं लूज़ पाउडर लूँगी लैक्मे का, उसे अपना जो मेकअप है फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट कर लूँगी। अब हम अपने ब्राउज फिल कर लेंगे। ब्राउज मेरे कभी भी अच्छे से फिल नहीं होते गाइज। मेरा एक ब्राउज बहुत अच्छे से फिल होता है और एक इतने अच्छे से फिल नहीं होता है। अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अहुदा ब्यूटी का आई शेडो पलेट। इसे मैं क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का आई शेडो अपने फिंगर की मदद से अप्लाई कर लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, बहुत ऊपर तक,
क्रीज लाइन के नीचे ही अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जो फर्स्ट शेड हमने लिया था वो सेम शेड लेकर हम वाटर आई के नीचे भी अप्लाई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे मेबलिन का काजल अप्लाई कर रही हूँ अपने वाटर लाइन पे, एंड मैक का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे शुगर का मस्कराया अप्लाई करूँगी। अब हम दूसरे आई का भी मेकअप कर लेंगे। यहाँ पे मैं परफेक्ट आई लुक देने के लिए, आई शेप देने के लिए कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे शुगर का लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ पे शुगर का ब्लश यूज़ करूँगी, उसे अपने चीक्स पे एंड थोड़ा नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं अपना मेकअप फिक्स कर लूँगी मेकअप फिक्सर से। अब मैं अपने लैशेस लगा लूँगी ग्लू की मदद से। लैशेस लगाने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी, अपने चिक्स को, नोज़ को एंड आईब्रोज को। ये हाईलाइटर मैं यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का, ये बहुत अच्छा हाईलाइटर है। अभी मेकअप पूरा डन हो चुका है। अब मैं अपने हेयर बना लूँगी। सबसे पहले मैं बीच में मांग अपने पार्टीशन कर लूँगी और अपनी जो मांग टीका है उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। मांग टीका अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं साइड मांग पार्टीशन कर लूँगी अच्छे से और दोनों साइड से अपनी फ्लेक्स निकाल लूँगी थोड़ी थोड़ी। अब मैं यहाँ पे हेयर स्प्रे यूज़ करूँगी गेट्स बाय का, और एक साइड में अच्छे से उसको स्प्रे कर लूँगी ताकि थोड़ा सा मैं पफ जैसे निकाल सकूँ अपने हेयर्स को। अब मैं पूरे हेयर्स एक तरफ कर लूँगी और नॉर्मल सी खजूरी चोटी होती है उसे मैं बनाऊँगी। पहले दो पार्टीशन में मैं भाग कर लूँगी अपने हेयर्स का। अब मैं इसे अच्छे से खजूरी चोटी बना लूँगी।
चोटी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपनी जो भी चोटी के पार्ट्स है उसे ऊपर की तरफ खींचना है अच्छे से, ताकि थोड़ी ब्रॉड लगे चोटी। इससे बहुत अच्छा लगता है हेयर। अब मैं जो साइड के हेयर है जो एक्स्ट्रा है उसे अच्छे से सेट कर लूँगी क्लिप की मदद से। अब हम अपनी सारी ज्वेलरी पहन लेंगे। ये जो झुंबर मैंने लगाया है ये, इसको सेट करने के लिए मुझे किसी भी ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बहुत अच्छे से सेट हो गया था। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये नोज़ रिंग पहनने के लिए हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी फाइनली, पर मैंने अच्छे से पहन लिया। मैंने कुछ हेयर एक्सेसरीज ली थी वो मैं अपनी चोटी में लगा लूँगी ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। अब ज्वेलरी पहन के हो चुकी है, अब हम लास्ट जो स्टेप है वो है दुपट्टा, उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। सो गाइस ये मेरा फाइनल लुक है। बिटवीन शूट मैंने कुछ पिक क्लिक किए हैं इस लुक को अच्छे से बताने के लिए आपको, तो आप चेक कर लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से लुक दिखाई दे रहा है। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।